देश भर में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद पर मुजफ्फरपुर के मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की और खुदा से अमन चैन की दुआएं मांगी। मस्जिदों में बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले और बकरीद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम समाज के घरों में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पर्व की खुशियां मना रहे हैं। कमरा मोहल्ला स्थित सिया मस्जिद में सिया मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी। मौलाना सैयद काजीम सबीब ने खुतबा देते हुए कुर्बानी का मतलब समझाया। नमाज के बाद दुआ मांगी गई और बकरीद में मिलजुल कर रहने की बात बताई गई। असल जो इस्लाम में जो कुछ त्यौहार है या जो कुछ इबादत है उसमें वो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है, ताकि हम एक अच्छा समाज बना सकें, एक अच्छी सोसाइटी बना सकें, अपने समाज को बेहतर से बेहतर बना सकें। बकरीद की नमाज तो साल में एक बार होती है, हम लोग दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। उस नमाज में भी अच्छा बनाने की तरफ इशारा है। नमाज में जो पहला कथन जो होता है नमाज में वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तारीफ है उस अल्लाह की, ईश्वर की, जो दुनिया का बनाने वाला और पालने वाला है। अगर यही एक कथन हम समझ जाएं कि तारीफ पालने वाले की होती है, लूटने वाले की नहीं होती है, तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये जो आज लूटने वाले की तारीफ हुई, लूट, अभी भी हमने अपने प्रवचन में कहा कि देखिए प्रमोशन आजकल दुनिया में वैसे लूटने वालों का हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में हमेशा से रहा है और धर्म में अच्छे लोग, खिदमत करने वाले लोग, जो समाज की खिदमत, जो जनता की खिदमत करते हैं, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो अगर ये बातें हम जो धर्म में बताई जाती हैं, जो लोग हम लोग कुरान की आयत में पढ़ते हैं, जो कुर्बानी से सीखते हैं, वो इसलिए है ताकि हम एक अच्छे इंसान बन के समाज को अच्छा बना सकें और किसी आदमी को हमसे तकलीफ़ ना हो। आज की नमाज में यही सारी बातें थी, अल्लाह की तारीफ, ईश्वर की तारीफ, हमें अपने आत्मा को पवित्र बनाना, इसका जिक्र आया। और ये जो कुर्बानी है जो हम लोग करते हैं, इसकी वजह ये है कि एक नबी पैगंबर जनाब इब्राहिम थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं और उन्होंने ईश्वर की इस बात को जो ख्वाब में आ रहा था, जो सपने में था, उसे पूरा करने के लिए अपने बेटे के आँख पर पट्टी बांध के छुरी गले पर चलाई और ईश्वर ने वहाँ से एक जानवर जन्नत से भेज दिया जिस पर छुरी चल गई। तो अब यहाँ पर जो सबसे जाहिर में समझ जाते बेटा दबा हुआ है, लेकिन हुआ था वो जानवर, अल्लाह ने सिर्फ इम्तिहान लेना चाहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो प्रैक्टिकल होना चाहिए वो क्या है, यहाँ लोग अपने बच्चों के लिए मुल्क का पैसा स्विस बैंक में रख रहे हैं, बच्चों के लिए मुल्क को लूट रहे हैं, बच्चे के लिए समाज को लूट रहे हैं, धर्म की ज़मीन, वक्फ की मठ की ज़मीन बर्बाद कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। यहाँ जनता का माल, धर्म का माल बेटे के लिए कुर्बान कर रहे हैं, यहाँ बेटे को ये अल्लाह। अब बताइए कितना अपसाइड डाउन मामला है। ये सब इसलिए है कि हम सीखें अल्लाह के जो अच्छे बंदे हैं, ये हमारे मुल्क की कुर्बानी देने वाले जो अच्छे लोग हैं उनके पास, अभी हम पढ़ रहे थे लाल बहादुर शास्त्री के पास अपना एक मकान नहीं था, और यहाँ अभी नया नया होता है, अभी कायदे से 10 दिन नहीं हुआ, पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स में आए हुए, 10 दिन का मकान कैसे आ जाता है, ये चमत्कार कैसे हो जाता है। हम लोग सारे लोग धार्मिक लोग, अच्छे लोग, मुल्क के बारे में बैठ के सोचें और इन चीज़ों से अपने समाज को, मुल्क को अच्छा बनाएं। यहाँ इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं अल्लाह के लिए और बात है दुम्बा आ गया, और यहाँ हम अपने समाज को, सोसाइटी को, धर्म को, मुल्क को ज़बह कर रहे हैं बेटे के लिए। आप बताइए होना चाहिए ये, अब उसका लाग जाके हम बकरे का गोश्त खा लें, कोई फ़ायदा उदा नहीं होने वाला है। खिदमत करके खाएंगे तो ईश्वर हमसे खुश होगा, अल्लाह हमसे खुश होगा, समाज जन्नत का, और जनता ऐसी है जो हमको सीने से लगाने वाली है अगर नेकी करेंगे तो। इसलिए हम मुबारकबाद देते हैं आप सभी को, आप आए, आप आते हैं, और यकीनी तौर के ऊपर ये पैगाम सारी दुनिया में एक दूसरे का जाए, मोहब्बत का पैगाम जाए। हमारा मुल्क मोहब्बत पर टिका हुआ है। जो लोग नफरत डाल रहा है और फिर चाहता है कि बाहर की ताकत को अंदर लाए और ला के हमारे मुल्क को वही बना दे जो अंग्रेज़ के ज़माने में था, हम लोग किसी आलम में नहीं होने देंगे, ना अपने धर्म को बर्बाद होने देंगे, ना अपने मुल्क की मोहब्बत को बर्बाद होने देंगे। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।